गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुट। इसराइल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में 30,000 के करीब बड़ी इमारतों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिट्टी में मिला दिया है। IDF के दावों के मुताबिक इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके जिंदा ही दफन होने लगे हैं। जैसे इसराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट बम और मिसाइलों से इमारतें उड़ाई जा रही हैं, वैसे ही इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगों पर बिल्डिंग का मलबा कब्र बनकर गिर रहा है। हमास के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर आते हैं तो इजरायली सेना पिन पॉइंट से सीधे बम उस पर दाग देगी, और अगर वो सुरंग में रहते हैं तो तबाह इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगें मलबे में दब रही हैं। IDF के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके पूरे परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं, जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। המלחמה על פי תוכנית. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה. F-16, F-35 ने चीर डाला गाजा। 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में पिछले 18 घंटे से इजरायली वायुसेना ने 150 लड़ाकू विमानों से अंधाधुंध बम और मिसाइलें बरसाई हैं। 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान से फाइटर जेट और जमीन से इजरायली टैंक और तोपखाना हमास सुरंगों पर सीधा हमले कर रहे हैं। खबर आ रही है कि IDF ने जोहोर अद-दिक में टैंकों से भीषण हमला किया है। इसके अलावा गाजा सिटी, अल जदीदा, रिमान, शाती रिफ्यूजी कैंप, जबालिया पर टैंकों, तो बख्तरबंद रॉकेट से इसराइल ने कम से कम 800 हमले किए हैं। इसराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट ने गाजा को लगभग चीर डाला है। तबाह इमारतें और मलबे से लाशें निकालते फिलिस्तीनी लोगों को इसराइल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है।